यह पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अब वो सब बातें सोचने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है और यही रियलिटी है जिसे मुझे एक्सेप्ट भी करना होगा। बाय द वे जो मीटिंग के लिए फाइल्स में थोड़ा बहुत काम बाकी था उसे भी कम्प्लीट कर लेती हूँ वरना इसके लिए भी चिल्लाएंगे। मैम सर ने आपके लिए डिनर भेजा हुआ है, ये लीजिए डिनर कर लीजिए। क्या डिनर? ओके यहाँ रख दीजिए मैं खा लूंगी। ओके मैम मैं यहाँ रख देता हूँ, थैंक यू सो मच, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो मैन वहाँ से चला जाता है। मेरे लिए डिनर भेजा है जंगल ने, वैसे भी मुझे भूख तो सच में लगी थी। एक काम करती हूँ पहले डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद अपना काम खत्म कर लूंगी। उसके बाद तेज डिनर करने लगती है। जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाइए, वो कह रहे हैं हम डिनर पर जा रहे हैं, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। क्या डिनर पर? ओके मैं आ रही हूँ, आप बस 2 मिनट रुक जाइए। ओके मैं नीचे हॉल में आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइएगा। यस सर मैं आ जाऊंगी, आप वेट कीजिए। दिन उसके बाद शुगर नीचे हॉल में जाकर जिमिन का वेट करने लगता है। सुनो क्या उसने डिनर ले लिया था और वो डिनर कर रही थी? हाँ सर उन्होंने डिनर ले लिया था लेकिन वो कर रही थी या नहीं क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं बस डिनर देकर चला आया था। अब लिया है तो कर लिया होगा ना। ओके फाइन थैंक यू सो मच, अब तुम जा सकते हो। ओके सर थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वो मैन वहाँ से चला जाता है। मुझे पता था कि अब तक तुम्हें बहुत तेज भूख लग चुकी होगी इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए डिनर भेज दिया। खैर अब मैं भी कर लेता हूँ, उसने तो कर लिया है। उसके बाद जंगो अपने रूम में जाता है और वो भी डिनर करने लगता है। अदर साइड हम मिनमन को देखते हैं तो जिमिन नीचे आ चुकी होती है और शुगर बस उसे देखते रहता है। ख्वाबों में तू मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है तू बसी। हो ख्वाबों में तू मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है। मैं रेडी हो गई हूँ चलिए ना। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मिस जिमिन, आज आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं इसीलिए अब ठीक है चलो चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके तो अब चलते हैं। उसके बाद जिमिन भी एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। सर सब कुछ रेडी है बस हमें निकलना है। सर हमारे क्लाइंट इसी होटल में आएंगे क्या, मतलब मीटिंग यहीं पर होगी? हाँ मीटिंग हमारी यही होगी और एक और क्लाइंट आएंगे उनके साथ भी हमें मीटिंग करनी है। आई मीन टू से हम दोनों ही मिलकर उन्हें प्रेजेंटेशन देंगे, उनका वेट कर रहा हूँ मैं। ओह तो हमारे साथ एक और क्लाइंट आएंगे वो भी मिलकर प्रेजेंटेशन देंगे? हाँ वो भी हमारे साथ मिलकर प्रेजेंटेशन देंगे, बस थोड़ी देर रुक जाइए आते ही होंगे। हेलो मिस्टर जंगकुक एंड आई एम सॉरी मैं लेट हो गया ना। हेलो मिस्टर सुगा नाइस टू मीट यू, नो आप लेट नहीं हुए आप टाइम से ही आए हैं। ओह मुझे लगा कि मैं लेट हो गया। बाय द वे अभी तक वो डीलर नहीं आए हैं? अभी तक तो नहीं आए हैं लेकिन डोंट वरी वो भी आते ही होंगे। दीदी आप यहाँ पर? आई मीन ये मिस्टर जॉन आप ही के बॉस हैं? ओह तो तुम भी यहाँ पर? आई मीन मिस्टर मिंग तुम्हारे बॉस हैं? हाँ दीदी इसका मतलब हम दोनों एक ही साथ आए थे और एक ही होटल में रुके हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। हाँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कहा नहीं था कि अगर किस्मत में हुआ तो हम जरूर वहाँ मिलेंगे और देखो हम दोनों एक ही होटल में रुके थे हमें पता भी नहीं था। मिस जिमिन क्या आप इन्हें जानती हैं? आई मीन ये आपके फ्रेंड है क्या? नो सर ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये मेरी सिस्टर है, दीदी मेरी जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ओह तो ये तुम्हारी दीदी है। हाय मिस्टर नाइस टू मीट यू। हेलो सर नाइस टू मीट यू टू। वैसे बाय द वे जिमिन ने आपके बारे में बहुत कुछ मुझे बताया था, आई मीन टू से आप बहुत अच्छे हैं ना? रियली तो आप बता सकती हैं जिमिन ने मेरे बारे में आपको क्या बताया था? हाँ क्यों नहीं वो कह रहे थे कि आप बहुत दीदी बातें तो हम कभी भी कर सकते हैं, हम मीटिंग पर आए ना तो उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ तो सही कह रही है सॉरी। ओके मिस्टर मैन आप कभी हमारे घर पर डिनर पर आइएगा प्लीज, अगर आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। व्हाट डिनर पर और वो भी अपने घर पर? कभी मुझे तो नहीं बुलाया अपने घर पर डिनर पर लेकिन उसे बुला रही है। हाँ क्यों नहीं मिस्टर आपने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। मिस्टर मेन अब हम काम पर भी फोकस कर लेते हैं क्योंकि क्लाइंट कभी भी आ जाएंगे तो उन्हें हमें प्रेजेंटेशन देनी होगी तो जो तैयारी है वो कर लेते हैं। डोंट वरी मिस्टर जॉन सारी तैयारी हो चुकी है सिर्फ प्रेजेंटेशन देना बाकी है तो आप फिक्र मत कीजिए सब कुछ अच्छा होगा। ओके फाइन सॉरी एवरीवन मैं लेट हो गया ना, वो एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी सो इसीलिए लेट हो गया। आई एम सॉरी। नो सर आप सॉरी मत बोलिए बिकॉज पेरेंट्स काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, अब मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके तो मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, एक काम कीजिए पहले आप दोनों अपना प्रेजेंटेशन दीजिए।
ओके सर, पहले हम आपको अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं, उसके बाद आप फैसला लीजिएगा। उसके बाद जंगू प्रेजेंटेशन देगा, उसके बाद शुगा। वाओ, वेरी नाइस, आप दोनों का ही आइडिया ऑसम है, मुझे दोनों के ही आइडियाज पसंद आए। हाँ, तो मेरा डिसीजन ये है कि ये डील में आप दोनों को ही देना चाहता हूँ, बिकॉज आप दोनों की आइडियाज बहुत अच्छे थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों को ये डील दे दूँ। थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। सेम टू यू मिस्टर मेन, आपको भी कांग्रेच। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये डील फाइनल हो गई, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी होटल में मैं छोटी सी पार्टी रखना चाहता हूँ, तो प्लीज आप सब जरूर आइएगा। अगर आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ सर, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, बाय। ओके बाय सर। उसके बाद सभी यिनवो को बाय बोलते हैं और यिनवो वहाँ से चला जाता है। ओके मिस्टर योंगी, तो अब मैं चलता हूँ। ओके गुड बाय, पार्टी में मिलेंगे। यस ऑफ कोर्स, बाय, चलो मिस्टर। ओके सर, चलिए बाय जिमेन, बाबी मिलते हैं, बाय दी। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ते मैंने तुम्हारे रूम में ड्रेस रखवा दी है, शाम को वही पहनकर रेडी हो जाना, पार्टी में जाना है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच, मैं रेडी हो जाऊंगी, आप फिकर मत करिए। ओके, तो आप अभी रेस्ट कर लीजिए क्योंकि शाम को पार्टी है ना। ओके सर, बाय। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में जाता है। अदर साइड हम यिनमिन को देखते हैं, तो शुगा जिमिन के रूम में आया हुआ होता है। मिस जिमिन जल्दी करिए, हमें मॉल जाना है। क्या मॉल जाना है, लेकिन वो क्यों सर? आप भूल गई, आज शाम को पार्टी है, तो आपके लिए शॉपिंग करना है, तो चलिए वहाँ पर आप अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर लीजिएगा और मुझे भी लेना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चलिए। ओके सर, चलिए। के बाद यिनमिन भी मॉल जाते हैं और शुगा जिमिन को बहुत सारी शॉपिंग कराता है, और ऐसे ही शाम हो जाती है और पार्टी का टाइम आ जाता है। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन एंड मिस्टर मिन इस पार्टी में आने के लिए। तो सर आपने बुलाया था, तो भला हम कैसे नहीं आते, एंड थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। ओके मिस्टर मिस जिमिन, आप सब यहीं पर पार्टी में एंजॉय करिए, जब तक कि मैं अपनी गेस्ट को देख कर आता हूँ। ओके सर, आप जाकर बाकी गेस्ट को देखिए, हम लोग ठीक है, पर हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके आप जाइए सर। जिमिन तुम ये रुको, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओके सर, आप जाइए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उसके बाद शुगा वॉशरूम में चला जाता है और इधर पार्टी में डांस स्टार्ट हो जाता है, सभी कपल डांस करने लगते हैं। हाय, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? देखो सब डांस कर रहे हैं, आओ करते हैं। क्या डांस? सॉरी बट वो मेरी पार्टनर है, मेरे साथ करने जा रही है, तो आप जरा साथ देंगे, हम डांस करने जा रहे हैं। ओह सॉरी, मुझे लगा कि ये सिंगल है। ओके, तो आप डांस कर सकते हैं? गुड, चलो तो डांस करते हैं। हाँ ओके चलो। आप तो सिंगल है ना, आपके साथ तो कोई नहीं लग रहा है, अब क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? चलिए करते हैं। क्या चले जाओ, वैसे भी खड़ी खड़ी बोरी हो रही हूँ और सब पता नहीं कहाँ चले गए, टाइम ला रहे हैं। एक काम करती हूँ, जब तक सनी आते हैं तब तक डांस ही कर लेती हूँ। ओके फाइन, चलो करते हैं, थैंक यू सो मच। ओके तो फिर चलो। फसलों से मेरा प्यार हो गाना कम, तू न होगा कभी अब जुदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया तेरे वास्ते। ओके, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय। उसके बाद शुगा वो कॉल कट कर देता है और वापस से पार्टी में आ जाता है। जिमिन को डांस के बहाने ही इधर उधर टच कर रहा था और ये सब शुगा नोटिस कर रहा था। म्यूजिक खत्म हो जाता और सारे कपल छुप जाते हैं। म्यूजिक खत्म हो गया, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ओके ठीक है, आप जाइए। हाँ चली जाऊंगी, पहले मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। वाह, मजा आ गया इसके साथ डांस करके। इसकी कमर कितनी ज्यादा सॉफ्ट थी, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी कमर और टच करूं, पर क्या करूं, वो चली गई। सर म्यूजिक भी खत्म हो गया और डांस भी खत्म हो गया और मैं थक भी गई हूं, तो सर मैं अपने रूम में जा रही हूं, आपको पार्टी में रहना तो रहिए। एंड हाँ सर, आपने झूठ क्यों बोला था कि मैं आपकी पार्टनर हूँ? मैं आपकी पार्टनर नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं।
हाँ मैंने झूठ बोला। क्यों, तुम उसके साथ डांस करना चाहती थी? मैं क्या चाहती थी और क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए सर। और हाँ, आज के बाद किसी से ये मत कहिएगा कि मैं आपकी पार्टनर हूँ। मैं आपकी पार्टनर ऑर्डर नहीं हूँ, तो प्लीज ये झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हाँ, मैं चाहे जिसके साथ भी डांस करूँ, किसी के साथ भी रहूँ, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी आप शादी कर लेना और मैं भी शादी कर रही हूँ, तो हमारा रास्ता अलग अलग है। तो प्लीज सर, जैसे एक बॉस और सेक्रेटरी रहते हैं ना, तो वैसे रहिए। ओ, तो मेरे साथ डांस करना भी अब पसंद नहीं है, इतना ज्यादा नफरत हो गया है मुझसे। एंड हाँ, मैं चाहे जिसके साथ भी डांस करूँ, किसी के साथ भी रहूँ, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी आप शादी कर लेना और मैं भी शादी कर रही हूँ, तो हमारा रास्ता अलग अलग है। एक्चुअली सर, गाय ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, तो हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जाने वाला, जब तक
कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना नहीं बना लेता। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब जाओ यहाँ से। नहीं, तुम मुझसे करती हो, तुम झूठ बोल रही हो। आई लव यू। मुझको दे तुम मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने। इनको तू ना दे जाने, तो मुझ पे खुद को दे लुटा। Yeah।